साथियों नमस्कार, फार्मेसी लीडर चैनल पे आपका बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। मेरा नाम है डॉक्टर एल एस आर्य। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, फार्मेसी लीडर चैनल मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देता है। तो आज एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देंगे, जो एक सीरप है जिसका नाम है झंडू पंचारिष्ट, जो एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज है और ये एक झंडू कंपनी का प्रोडक्ट है। ये मार्केट में जो है काफ़ी लंबे समय से अवेलेबल है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो ये क्या है, मेनली एक आयुर्वेदिक डाइजेस्टिव टॉनिक होता है जो पेट के लिए काम करता है, पाचन को सुधारता है, एसिडिटी दूर करता है, गैस में आराम देता है, कब्ज से राहत देता है और पाचन को बढ़ाता है। तो आज जानेंगे इसके अंदर क्या है, तो शुरू करते हैं वीडियो को और आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो झंडू पंचारिष्ट एक झंडू कंपनी का प्रोडक्ट है जो 450 ml में मार्केट में अवेलेबल है और जिसका जो MRP है 150 है, यानी कि 150 rupees है। और ये आपको जो लेना है आज सब इसके बारे में जानेंगे, इसके क्या यूजेज हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या डोजेज है, कितनी मात्रा में लेना है, कौन इसको ले सकता है और क्या सेफ है, क्या अनसेफ है, क्या नुकसान देता है, क्या फ़ायदा देता है, तो आज जानते हैं झंडू पंचारिष्ट के बारे में। तो हम जैसा कि बता चुके हैं, ये एक डाइजेस्टिव सीरप है, यानी कि पेट के लिए होता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या है, झंडू पंचारिष्ट एक संपूर्ण आयुर्वेदिक पाचक है जिसमें है 35 आयुर्वेदिक तत्वों की शक्ति जो 7 पाचन केंद्रों पर काम करे, पाचन क्षमता बढ़ाए और बार बार होने वाली पेट की तकलीफों जैसे एसिडिटी, गैस, बदहजमी, पेट फूलना और कब्ज में जड़ से राहत दे। लंबे समय तक झंडू पंचारिष्ट का सेवन 2-2 चम्मच रोजाना दिन में 2 बार 30 दिन तक आप नियमित करें तो पाचन से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है या पेट की तकलीफ है आपको कोई भी, तो वो ख़त्म हो जाएगी या छूट जाएगी। यह भोजन में रुचि बढ़ाता है और जीवन में स्फूर्ति लाता है। इसके अंदर जो घृत कुमारी होता है वो पाचन को सुधारता है, द्राक्षा एसिडिटी को दूर करता है, अजवाइन गैस से आराम देता है, त्रिफला कब्ज से राहत देता है और जो लौंग है वो पाचन को सुधारता है। अब ये लेना कैसे हैं, तो ये 2-2 ढक्कन दिन में सुबह शाम आपको लेना है, आधे गिलास ताजे पानी के साथ। भोजन करने से पहले आप इसको ले सकते हैं या भोजन करने के 20 मिनट बाद आप इसको ले सकते हैं। ये सुबह के नाश्ते के बाद ले सकते हैं या दोपहर में ले सकते हैं। शाम को खाना खाने के 20 मिनट बाद आपको लेना है या पहले भी आप इसको ले सकते हैं। पूर्णतः आयुर्वेदिक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि पहले या बाद में लेने से कोई समस्या आपको हो सकती है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो इसके 9 rare साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, आयुर्वेदिक होती है तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फिर भी इसको पीने के बाद आपकी स्किन पे एलर्जी होती है, खुजली होती है, आपको नोजिया वोमिटिंग होती हैं, मतलब जी मिचलाना या उल्टियाँ आती हैं, आपको चक्कर आते हैं, आपको कमजोरी का अनुभव लगता है, डायरिया या डिसेंट्री आपको होती है, लूज मोशन आपको होते हैं, गला सूखता है या आपको खुश्की सी लगती है, आपका पेट फूलता है, तो आप तत्काल प्रभाव से इस सीरप को बंद कर दें और नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत मिलें। अब इसकी मात्रा हम बता चुके हैं आपको कितनी मात्रा लेनी है, तो वो 2-2 ढक्कन दिन में 2 बार लेनी है। छोटे बच्चों को इसको नहीं देना है। गर्भवती महिलाओं के लिए आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है, जो महिला चिकित्सक है, यदि आपको वो सजेस्ट करती हैं तो आप ले सकते हैं, वरना ना ऐसे बगैर परामर्श डॉक्टर के परामर्श के दवाई का सेवन ना करें, अपने आप दवाई ना खाएं। तो हमने देखा झंडू पंचारिष्ट पेट की कोई भी समस्या है उसमें बहुत अच्छा काम करता है और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, जो इसकी स्पेशलिटी है, वो ये है कि ये भूख को बढ़ाता है। खाना खाने के बाद कुछ लोग आपने देखा होगा कि तुरंत वो लैट्रिन के लिए जाते हैं, उनको थोड़ी सी लैट्रिन आती है, ज़्यादा नहीं आती है, उस समस्या को पूर्णतः ख़त्म कर देता है। एसिडिटी, खट्टी डकारों में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और जो पेट फूलता है जिसको बोलते हैं अफारा, व्यक्ति को डकारें आती हैं तो उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। महिला पुरुष यानी कि मेल फीमेल इसको कोई भी ले सकता है, पूर्णतः आयुर्वेदिक औषधि है और ट्रस्टेबल है। तो साथियों, यदि आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप इस सिरप का सेवन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो का निर्माण कर सकें। यदि आपको लगता है कि हम सराहनीय कार्य कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अपना प्यार देते रहें। तो साथियों, पुनः वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।